बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है, पाकिस्तान आम भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। ये पाकिस्तान की साजिश है, ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और इस ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं पाकिस्तान के द्वारा जो आम भेजे गए हैं। बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है, पाकिस्तान आम भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को भी नुकसान किया जा रहा है, देखते हैं। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे बात करके, इंटरनेशनल लेवल पे बात करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आज पूरी मानवता कराह रही है, जिस तरह श्रीलंका के भीतर तमिलों की रक्षा की गई थी, उसी तरह बांग्लादेश में जितने हिंदू तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा पॉलिटिकल कर्तव्य भी बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई भी जालिम से जालिम व्यक्ति भी भारत ये मूल के, भारतीय मूल के किसी भी सनातन को मानने वाले पर अत्याचार नहीं कर सकता है। अगर कहा जाए तो, अगर जब से शेख हसीना हिंदुस्तान में आई हैं तब से हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, अब ये लड़ाई जो है हिंदू वर्सेज मुसलमानों की हो गई है। शेख हसीना हिंदू है क्या? शेख हसीना के खानदान ने कुर्बानी दी है बांग्लादेश को बनाने के लिए। ये पाकिस्तान की साजिश है, ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, वो बांग्लादेश के इस उपद्रव के साथ खड़ा हो गया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी।